ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। सलाम ना दिवा चपेर मारने का तेरे को, कोई चीज अपने पास भी रहने दे, सलाम तो उनको करेंगे ना जो घर में ना रहते हो। मैं क्या जंगल में दरख्त पे रहता क्या? ओहो, मेरा मतलब ये है कि जो इस घर में ना रहते हो। लगता है तुम काम काम कर कर के तो पागल हो गए। वो क्यों? इसलिए कि मैं इधर नहीं रहता। नहीं, अरे भाई लगता है आप जाते ही नहीं है बल्कि आते ही रहते हैं। क्या मतलब है तेरा? अरे सब छोड़े, ये बता फिर से कैसे आना हुआ? सारा तेरे को बताने का? बताना तो मुझे पड़ेगा। वह काय कजे, आखिरकार काम तो मैंने ही अंजाम देना होता है ना। बात तो तुमने एकदम सही बोला। खैर ये बताओ सीमा किधर है? होगी कहीं कमरे में। हर वक्त कमरे में रहते ना? हाँ देखता मैं जाके। अच्छा कमरे में ना हो तो इधर उधर भी देख लीजिएगा। अच्छा तो फिर मुसीबत ना आ जाए हमारे गले। चलो भैया ले भाई जानी काम कर ले जल्दी जल्दी। ना सलाम ना दुआ ना कोई बदवा कुछ नहीं। पापा असल में मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप आए हुए हैं। यानी इतना बड़ा आदमी इंसान नजर नहीं आता तुमको? नहीं नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन अगर एक इंसान पापा हर वक्त ही आपको अपने घर में दिखता रहे तो ऐसा एहसास नहीं होता कि वो कहीं और रहता है और आया हुआ है। शाबाश शाबाश है, यानी बेटी भी हमारा बेइज्जती कर रही है वो भी टिका के ना। बेइज्जत थोड़ी करे बाबा, एहसास दिला रही। What do you mean भाई? अरे कुछ नहीं बाबा। वैसे पापा बताएं कैसे आना हुआ आपका? अच्छा ये बताने का कि कौन आ रहा है? अब आपके अलावा भी कोई आ रहा है? मेरे अलावा मतलब? कोई मतलब नहीं, बताइए कौन आ रहा है? पप्पा पंगेसी आ रहे ना जी। क्या पापा मगर क्यों? उम्र करने जा रहे ना। तो हमारे यहाँ से उनको वीजा लेना है क्या? नहीं नहीं नहीं, एक दिन यहाँ स्टे करेगा फिर जाने का। पापा होटल में रुकवा देना। सोचा तो मैंने यही था ना कि उसको होटल में ठहराने का, लेकिन तुम्हारी फूफो का सख्ती से पैगाम आया ना कि उसको अपने घर में रखने का। पापा आपको पता है ना कितने पंचायती आदमी है वो। अभी क्या करे, बहन भाई है ना बहन भाई। क्या कर सकते, आप तो आ ही रहे। एक दिन की तो बात है बेटा, ये दिन में निकल जाने का ना। एक दिन कितना लंबा होगा, खुदा करे निकल जाए। दिन लंबा होगा, एस्किमो में रहते हम लोग। बात करती है। अरे बाबा मैंने तुझे दो भैंसों की तस्वीरें भिजवाई। बाबा नई भैंसे लिए, एवरेज बड़ा अच्छा है उसका, जरा देख और मुझे बता बाबा कैसी है। ठीक है बाबा ठीक है ओके। यार है तुम्हारा बच्चू? हाँ वही देख रहा हूँ बाबा, वही देख रहा हूँ। मैं तुमसे बात कर रहा जी। जी जी बाबा मैं देख रहा था लेकिन कोई कॉल ही नहीं आई है। किसकी कॉल? अरे बाबा जानी की। उसकी कॉल भी आनी क्या? आप यहाँ आ गए हैं तो पीछे पीछे वो भी तो आते हैं ना। गांव से आना इतना आसान नहीं होता ना जी। गांव से आना इतना आसान नहीं होता, शहर से आना बाबा इतना आसान होता है कि आप रोज आ जाते हैं। मेरे को ये बता रहा था कि मेरा बहन भाई, मेरा मतलब कहने का कि सीमा का फूफा आ रहा है ना फूफा। हाँ बाबा तो आप फौरन से घर जाइए। ये इधर आ रहा है। अरे बाबा आप अपने मेहमान भी यहाँ बुला लेते हैं? मैं अकेला जी, काम करने वाला कोई नहीं इसलिए बुला लिया उसको। अच्छा अच्छा बाबा कोई बात नहीं, कब आ रहे? थोड़ी देर में आ जाने का ना उसको। अच्छा 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 हुआ जानी तुम आ गया बाबा, सीमा के फूफा आ रहे।
देखो खातिर मदारत में ना कोई कमी ना रह जाए बाबा। जब भी मैं बोलूँ कोई ना कोई चरान आने वाली है। यहाँ मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा अंकल मैं चलता हूँ बाबा। कहाँ जाने का? उपवास नहीं मिलने का क्या? नहीं वो मैं एक काम है जरूरी, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ठीक है जल्दी आने का। ठीक है ठीक है मैं चलता हूँ, जानी ख्याल रखना बाबा। ठीक है बच्चों रखना बाबा। सेठ साहब मुझे क्या करना है? तुमने सिर्फ खाने और पीने का बंदोबस्त करना जी, और एक बात मैं बता देने का, मैं आज भी थोड़ा खाता तो थोड़ा मीठा। ठीक है सर मैं अभी करता हूँ। वेरी गुड। आने 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 अंदर आने का दिल तो नहीं कर रहा तेरे घर आने को, मगर क्या करूं, बेगम ने कहा था तो मैं मजबूर हो गया। अच्छा बैठ रहा बैठ बैठ रहा हूँ बैठ रहा हूँ। अच्छा सब बात को छोड़ देने का, ये बताओ खाने में क्या खाना तुमको? दिल तो तेरा ये चाह रहा है कि मुझे जहर खिला दे, लेकिन चलो तू पूछ रहा है तो तेरी मर्जी है, वो मंगा दे। जाने ओ जाने ओ जानी। क्या जानी जानी पुकार रहा है? क्या मैं तेरा जानी हूँ जो मुझे तू जानी जानी कह रहा है? तुमको नहीं बोला था, मेरा जो काम वाला है ना मैनेजर उसको बोला। जी 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 सरकार आ गया हुकुम। बात सुन, तेरा नौकर भी तेरी तरह बदतमीज है। क्यों क्या हुआ जी? क्या हो गया? आया ना सलाम ना दुआ और पूछा क्या है क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है अब क्या फायदा, कहने के बाद सलाम कर रहा है, लेकिन चलो ठीक है वालेकुम अस्सलाम। ये सीमा बेगम के फूफा है फूफा, पूछो क्या खाना है। मुझसे क्या पूछ रहे हो, मैं कौन होता हूँ, जो खिलाना है खिला दो। अरे बता भी दो क्या खाने का यार। अच्छा बात सुनो, ये बताओ कि क्या अच्छा बना लेते हो? मैं सब कुछ बहुत अच्छा बना लेता हूँ, आप बताएं क्या खाएंगे आप? मुझे तो लगता है सिर्फ तुम बनाते हो। नहीं नहीं बहुत अच्छा खाना बनाते हैं भाई। मुझे तो तेरी बात का एतबार नहीं, तो फिर मैं तेरे मुलाजिम का क्या एतबार करूँ? मेरे ख्याल से मैं चलता हूँ। रुकना रुकना भाई साहब, बताए क्या खाना है? ओ भाई कुछ भी खिला दे, बातें कर 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 करके पूछ पूछ के मेरा पेट भर रहा है। इनके लिए कोई मुरमुरे बना के ले है? मेरा मतलब है को अच्छा सा खाना बना के ले। मैं अभी बना के ला। ठीक है ना? हाँ बना के लाना है। अजीब बदतमीज लोग लानी है हमारे दरमियान में आके बैठ गई। नहीं 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 पुपा पुपा, ये तो नंद मेरी नौकरानी नहीं है। ये बुड्ढा कौन है जिसने मेरे को नौकरानी बोला है? बेटा ये मेरा बहन वही है सीएम का फूफा। क्या कहा इसने? वो पूछ रही थी कि कौन अंकल आए हैं। मैं तेरे बाप की तरह बहरा नहीं हूँ, सब समझता हूँ इसने मुझे क्या कहा है, समझी? जब तुम्हें सब पता है कि मैं क्या पूछ रही हूँ तो फिर भला पूछने की जरूरत क्या है? जरीना आओ हम चलते हैं ना। क्यों भला, ये सब गुजरा खावा है, मैं भी तो खाऊंगी ना। देखे जाना देखे कौन है, मुझे ये सच बताइए लड़की कौन है? अस्मा वो इतना सारा नया मेकअप आया है, चलो मेकअप चलो ठीक है। बुझे तुम खाओ बुझे, ओ बुझे 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 अंकल बुझे। बुड्ढा कहा है मुझे, बुड्ढा कहा है। एंजॉय करे ना एंजॉय करे उसको। अजीब बदतमीज लोग लानी थी, सब तुम्हारी तरह से है यहाँ। खाना शुरू करने का ठंडा हो जाएगा ठंडा। खाना शुरू करे खाना शुरू करे, अजीब नौकरानी और नौकर रखे बदतमीज कहीं के, वो खाना शुरू करे खाना। इतना फीका जाने ओ जाने। जी 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 सर जी सर। ये क्या कह रहे, कह रहे खाना जो है वो फीका है। आपको कैसा लगा? मुझे मैं अभी चक्कर तला चमक देना जरा मुझे। वेरी गुड, मेरे को तो सही लगा जी। देख ले। बात सुनो, ये क्या बेहूदा कपड़े पहने, आइंदा जब तक मैं यहाँ हूँ ये बेहूदा कपड़े नहीं चलेंगे, समझे? भाई साहब ये अखबार बांध लेगा, अब ये वाला खाना खा के देखे, वो वाला खाना खा के देखे, अजीब अजीब लोग रखे। पानी देने का यार, पानी पीने का। बहुत मिलेगा बहुत मिलेगा, मारोगे मुझे इतना ठंडा पानी पिला के। कल्लन मामू भी ठंडा पानी पीते पीते मर गए थे, और तू तो उसका मुंह देखने भी नहीं गया था। खैर शक्ल तो मैं भी तेरी देखना नहीं चाहता था, लेकिन तू इतना उदास क्यों हो रहा है? जा मेरे भाई के लिए और ठंडा पानी लेकर आ। जा क्या इनको भी मारना चाहते ठंडे पानी से? वैसे गला दबा दे इनका।
में ले आते। अजमत बहुत तंग आ गया हूं मैं। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। अरे बाबा चाय पियो ना, मजे की चाय है, ताजा दूध की। अबे ओ माली, ये क्या महफिल सजा रखी है? अरे बाबा तुम कौन है? मेरे को पूछता है कि मैं कौन हूँ, अबे तू कौन है? अरे बाबा साथ कोई खड़ा है जो मैं पूछ रहा हूँ, तुम ही से पूछ रहे हो ना कि तुम कौन है? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अबे कौन है ये बुड्ढा और तुझसे कैसे बात कर रहा है? मुझे तो कोई पागल लगता है, वो भी किसी पागल खाने से भागा हुआ। हाँ बाबा पागल तो मुझे भी लगता है, मेरे घर में घुस आया है। क्या क्या कहा? मुझे पागल? अबे मुझे पागल कह रहा है? तू खुद पागल हुआ, तू कौन है जो मुझे पागल कह रहा है? अरे बाबा किधर से आया है, किससे लड़कर आया है? अबे मुझे तो पागलखाने की सबसे खतरनाक वार्ड का पागल लगता है। अबे अबे अस्मत, ओ अस्मत, बारा बारा मुझे बारा बारा मुझे पागल कह रहा है, मुझे पागल कह रहा है, मुझे पागल कह रहा है। अरे बाबा मुझे तो वाकई पागल लगता है, अस्मत को आवाज देके कहता बारा और खुद अंदर चला गया है। अबे बच्चू जाकर देख, तेरे घर के अंदर ही घुस गया है। अबे हाँ जाके देख भाई, किसी को काट ना ले। अरे हाँ बाबा ये तो हमने सोचा ही नहीं है, तुम लोग चाय भाई पियो, चाय पी के चले जाना बाबा। ठीक है मैं देखता हूँ बाबा। इधर गया बाबा, ये कौन आ गया है? अस्मत 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 क्या हो गया? ये तेरा माली बहुत बदतमीज है, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कौन माली? ये माली। तो तेरा बस चलता तो तू इसके साथ शादी करा देता अपनी बेटी की, हम बर्बाद हो जाते। भाई साहब मेरा बात सुनो। जी क्या सुनना है? सबको सर पे चढ़ा रखा है, माली बदतमीजी करता है, मासी बदतमीजी करके पूरा घर बर्बाद कर दिया तूने। मेरी बात सुनना जी। खैर छोड़ सब बातों को, कुछ खाएगा मंगवाऊं तेरे लिए? नहीं 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 जी। अरे पापा जानी ये कौन है चलता फिरता टिपरी का डर? देख रहा है तू इसे, ये अपनी औकात से बाहर हो गया है। ये माली नहीं है जी। अच्छा तो ये माली नहीं है तो चौकीदार होगा, घर का जमादार होगा, क्या है ये? अरे बाबा हम इस घर का मालिक हूँ, इनका दामाद। देखा मैंने कहा था ना कि तेरा बस है तो तू अपनी बेटी की शादी से करा दे। ये माली नहीं, हमारा बिजनेस पार्टनर है, ऐसे में दूध के बड़े बड़े बाग है ना इनके। अच्छा तो तूने दूध वाले से शादी करा दी अपनी बेटी की, नाक कटवा दी अपने खानदान में, पूरे घर में फिरता है टोपी पहन के, पूरी बेइज्जती कर दी तूने। अरे पापा जानी ये कौन है बूढ़ा? ये मेरा बहन वो, ये सुबह बताया था ना तुमको। अरे बाबा पागल है क्या? दिमाग का थोड़ा तेज है बाकी दिल का बहुत अच्छा जी। पापा जानी इनको समझा दें कि मेरे बारे में ज्यादा बातें ना करें, वरना मैं इनका साफ दिल निकाल कर ना धोकर दोबारा जगह पर लगा दूंगा। बोले जाएगा जी, बोले जाएगा। अरे तुम कुछ लेके नहीं रहे हो? ये लो ना बाजाए बाजाए, और बिस्कुट खा रहे हो? ये कौन है चोकरी बला, मुझे भी तो बिलाओ। ये नंद है मेरी, यहाँ हमारे साथ ही रहती है। अरे बाबा ये झूठ बोल रही है, ये मेरे साथ रहती, मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये क्या कह रही है सीमा, क्या ये सच है? अरे पापा इसमें भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है, ये तो मेरे बाबा साहब की इन लोगों पे मेहरबानी है। वरना जरीना जरीना, अब तुम्हें पता है मेरी नन जो है ना जरीना, इतना अच्छा मेकअप करती है, कभी तुम देखना कैसा मेकअप करती है, करवाना है तुमने? अरे बाबा कुदरती हुस्न ने कभी गरूर नहीं किया, तुम लोगों की तरह थोड़ी है कि अपना चेहरा छुपाने के लिए इतना ज्यादा मेकअप थोप थोप के उसको छुपा लो, क्या फायदा? जी क्या मतलब है? क्या ये बाकी तुम्हारी नंद है? लो एक और मुझसे बता गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये नौकरानी यहाँ बैठ के क्या कर रही है? नौकरानी भरी किसको बोला? तेरे को बोला है, पूरा घर की चीजें इधर उधर फैली हुई है, कोई चीज भी ठिकाने नहीं है, पूरा घर गंदा कर रखा है, नौकरों को सर चढ़ा रखा है, घर की फिक्र ही नहीं है, सब अपनी अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं। ए बुड्ढे कहीं के चुप करके बैठ, वरना बर्तन से मल मल के तेरा मुंह फेंट दूंगी। चुप, नौकरानी बोल मल मल के कह रही है मुझे। अरे बैठिए ना, अब पानी मंगवाती हूँ आपके लिए। ये फूफा है मेरे, कल उम्रे पे जा रहे। मुबारक हो। फूफो नहीं आई? नहीं लाया मैं उसे। हाँ फूफा जान ना, फूफो कहाँ आई, क्यों नहीं आई? मुझे पता है
तेरे अब्बा की आदत है मुझे पता है, अपनी बहन के साथ क्या सलूक किया, सारी जिंदगी याद रहेगा मुझे। मैं नहीं रहा, बस मेरी मर्जी। फुफा जान ऐसे सबके सामने बातें नहीं करते। अरे सच तो सच है, किसी के भी सामने निकले। खैर इस बातों को छोड़ो, बच्चे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, बताओ मुझे ऐसा क्या हो गया जो आप फुफू को मिलवाना नहीं चाहते। देखो ये हमारे घर का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझी। फुफा पापा बुला रहे हैं आपको। अच्छा मुझे तो आवाज नहीं आई, पता नहीं। चलो खैर बात सुनो बेटा, अगर किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत हो अपने फुफा को याद रखना, समझी। हर चीज मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए। जी जी जी। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, भाई साहब काम करने का। चलो भाई आराम करो, सुबह सुबह तुम्हारे फ्लाइट का टाइम है ना। हाँ तुम्हारा तो मतलब है कि मैं अभी यहाँ से दफा हो जाऊँ, क्यों यही है ना तुम्हारा मतलब। पापा फूफा मैंने ना कमरे में बिस्तर लगा दिया, आराम से जाके आप सो जाएं। फूफा जान चले ना अंदर चल के आराम कर ले, काफी रात हो गई। आप भी बोल बोल के काफी हलकान हो गए होंगे। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसी सोफे पर सोऊंगा। भाई जान अंदर जाके आराम से एसी में सोने का। हाँ ये अमीरों के चौसले होते कि एसी में जाके सो जाओ ताकि बीमार पड़ो। ओहो फूफा जान मगर अंदर जाके सोने में हर्जी क्या है। यही तो सब वजह है कि लोग इतने बीमार पड़ते और अस्पतालों में जाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, गुड नाइट। आप इधर ही सोने का? हाँ पक्का, एक जबान से बोलता हूँ और पक्का बोलता हूँ, यही सोऊंगा यही बैठूंगा। अच्छा आप सोने का, मैं चलता जी। तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ पर, हमें कुछ बातें करनी है। चलो बातें करते। नहीं छोड़ो, बात से बात निकलेगी तो बहुत आगे चली जाएगी, और मुझे सुबह उम्रे पर भी जाना है, बेकार ना मुनासिब बात है। चलो चलो भाई आप आराम करो, मैं जाता है। ठीक है मैं भी चलता हूँ। नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहाँ बैठो। मगर क्यों? तुम रात भर यहाँ पहरा दोगे। और सुनो हर दो घंटे के बाद उठ के मैं देखूंगा कि तुम जाग रहे हो या सो रहे हो। इसका क्या फायदा? मेरी मर्जी। अच्छा वैसे मैंने आपके कपड़े इस्त्री करके रखे हुए, पहन के सो जाइएगा ताकि टाइम जरा सा भी वेस्ट ना हो। कपड़े पहन के सो जाओ? भाई यकीन करो तुम्हारे घर आने को मेरा दिल नहीं चाहता था, हालांकि मैंने सोचा था कि तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा, लेकिन तुम्हारी बहन के खातिर मैंने तुम्हारी शक्ल देखी। अब मैं उम्रे में जा रहा हूँ, गलती सरजद हुई है तो मुझे माफ कर देना। अरे अंकल आप जो है ना सीमा के फूफा है, इस रिश्ते से आप मेरे भी फूफा हुए। जबरदस्ती रिश्ते बनाने का शौक नहीं है मुझे, मेरे जो पहले रिश्तेदार है वही काफी है, बस मैं नए रिश्ते नहीं बनाऊंगा। अरे बाबा आप सब छोड़े ना ये सब कुछ, फूफा आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सर मैं आपका सामान गाड़ी में रख देता हूँ। नहीं मैं खुद रख लूंगा, पता नहीं तू कोई चीज निकाल देगा उसमें से। आप अपनी तरह मत समझे, जाने इसे एयरपोर्ट तक छोड़ के आना, मैं जरा गाड़ी जब तक स्टार्ट करता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे दुआओं में याद रखना, अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई हो तो मुझे माफ कर देना। चले चले आपको बाहर तक चले, 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 चले। लगता है जानी आ गया बुड्ढे को छोड़ के। ऐसा नहीं बोले थे। अच्छा पापा जानी वो जो हमें क्या कुछ बोल गए वो कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो हमारा बहन वही है ना जी। अरे जानी अब सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। अरे फूफा जान आप गई नहीं? क्या हुआ भाई साहब? तुम लोगों की बदवा कबूल हो गई, 3 दिन फ्लाइट लेट हो गई, अब मैं 3 दिन यही रुकूंगा। अरे बाबा ये रात के इस वक्त कौन था काम? बाहर दिन है ना। अरे बाबा तुम मुझे गधा समझते हैं? बाहर किधर दिन है, दिखाओ रात हो रही है। अरे भाई ये वाला दिन बाहर मतलब अमेरिका कनाडा। अरे बाबा कोई जोर नहीं था, ये जानी था जानी। हाँ बाबा यही था, कल भी मैंने इसको पकड़ा है। पकड़ा है? नहीं जानी वो भूत नहीं था, चोर था। अरे बाबा तुम भी अजीब बात करती हो,
भूत भला शोर क्यों करेगा? शोर चोर ने नहीं, मैंने मचाया था। तो भला क्या तुम चोरी कर रही थी? ओहो, ये वैसा कैमरा नहीं है, इसमें तो इसमें कुछ भी आता हो बाबा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हमारे घर वाली लड़कियाँ जो है ना, वो कैमरे पे आए, टीवी पे आए बाबा। अरे पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं टीवी पे नजर आऊंगी, सब देखेंगे। जरीना, ये वैसा कैमरा नहीं है, इसमें बच्चू भाई, ये चौकीदारी वाला कैमरा है, आपके घर की हिफाजत होगी। पापा सही, ये वैसे कैमरे नहीं है, खुफिया कैमरे होते हैं, नजर ही नहीं आते, बस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। वाह, फिर तो मेरे गांव में लगाओ यार, सारे पहाड़ों में लगवा लो। भाई मुझे और भी जगहों का काम तमाम करना है, और मेरा मतलब है काम करना है, तो बता कैमरे किधर लगेंगे? इम्प्रोवाइज़ नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।